वैसे जरूरी नहीं है लेकिन वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक कर दिया करें। इस मूवी में हमें अच्छे और बुरे एलियंस के बारे में बताया गया है। जो अच्छे एलियंस हैं उन्हें हम एलियंस ही कहेंगे और बुरे एलियंस का नाम मूवी में मोगाडोरियन है। और अब चलते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी के स्टार्ट में हम स्पेस को देखते हैं जहाँ से कोई अर्थ की तरफ आगे बढ़ रहा था, जिसके बाद वो एक काफी घने जंगल में पहुँच जाता है और वहीं पर उसी जंगल में दो आदमी सो रहे होते हैं। लेकिन उन दोनों में से एक को किसी चीज की आवाज सुनाई देती है जिसकी वजह से वो जाग जाता है और चेक करने के लिए जाता है। लेकिन तभी उसे कोई एलियन अपनी तरफ खींच लेता है। तब ये देखकर उसका दूसरा साथी फौरन वहाँ से भाग जाता है और इस लड़के के पीछे भी बहुत ही खतरनाक एलियन पड़ चुका था। लेकिन ये लड़का भी कोई इंसान नहीं था बल्कि ये भी एलियन ही था और यही वजह थी कि वो काफी तेजी से भाग पा रहा था। लेकिन बहुत तेज भागने के बावजूद भी वो एलियन जो उसके पीछे पड़ा हुआ था उसे पकड़ लेता है और ये ही वो खतरनाक एलियन होता है, यानी मोगाडोरियन। और ये एलियन दिखने में इंसानों जैसा ही लग रहा था। उस लड़के की टांग पर हम एक अजीब सा निशान भी नोटिस करते हैं लेकिन वो खतरनाक एलियन यानी मोगाडोरियन उसे मार डालता है। इसके बाद हम जॉन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड के साथ स्विमिंग कर रहा था और उसके लेग पर भी सेम वैसा ही निशान था। लेकिन तभी उस निशान में कुछ होने लगता है और उसकी लेग पानी के अंदर ही तेज रोशनी के साथ बुरे तरीके से जलने लगती है, जिसकी वजह से उसे काफी पेन भी होती है। साथ साथ उसे अपने एक साथी का विजन भी आता है जहाँ पर उसके साथी को उस खतरनाक एलियन यानी मोगाडोरियन ने मार दिया था। और देखते ही देखते उसकी लेग पर जो लाइट जल रही थी वो और ज्यादा तेज हो जाती है, जिससे उसकी फ्रेंड काफी डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। साथ साथ जॉन भी किनारे पर आकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि वो सारे एलियंस हैं और ये वाले अच्छे एलियंस हैं जो लोरियन प्लैनेट से प्लैनेट अर्थ पर रहने आए हैं, क्योंकि उनके प्लैनेट पर मोगाडोरियन ने अटैक कर दिया था। और मोगाडोरियन ऐसे खतरनाक एलियंस होते हैं जो सभी प्लैनेट्स को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन अब क्योंकि लोरियन प्लैनेट के एलियंस ही मोगाडोरियन को खत्म कर सकते हैं, तो यही वजह थी कि वो एलियंस अर्थ पर आए थे और ये टोटल 8 थे और ये अर्थ पर तब तक रहेंगे जब तक कि इनकी पावर्स डेवलप ना हो जाए। और जब ये एलियंस फुली डेवलप्ड हो जाएंगे तो वो मोगाडोरियंस को हरा देंगे, लेकिन उनकी पावर्स बढ़ने से पहले उन्हें छुपकर रहना होगा वरना मोगाडोरियन इन्हें मार देंगे। अब मोगाडोरियन इनके पीछे इसीलिए पड़ गए थे क्योंकि मोगाडोरियंस को इन लोगों से खतरा होता है, क्योंकि इन 8 एलियंस के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं, क्योंकि ना तो ये आग में जल सकते हैं और ना ही पानी में डूब सकते हैं। लेकिन उनकी पावर्स डेवलप्ड होने में अभी टाइम था और तभी जॉन के पास एक आदमी आता है जो कि उसका प्रोटेक्टर होता है। लेकिन हम देखते हैं कि मोगाडोरियंस को लोरियन प्लेनेट से आए उन 8 एलियंस के बारे में पता चल चुका था और यही वजह थी कि वो उन्हें अब एक एक करके मार रहे थे, क्योंकि ये एलियंस तब तक नहीं मर सकते जब तक इनको एक सीरीज में यानी एक सीक्वेंस से ना मारा जाए, क्योंकि ये 8 के 8 एलियंस एक दूसरे से कनेक्टेड है और इनके लेग पर जो निशान था वो हर एलियन के वजूद के बारे में बताता है। और जब ये निशान जलने लगता है तो इसका मतलब होता है कि एक एलियन मर चुका है। इसीलिए जब जॉन का साथी यानी वो एलियन मर चुका था तो पानी के अंदर उसकी लेग पर वो निशान जलने लगा था। और अब तक मोगाडोरियन ने 3 एलियंस को मार दिया था और अब बारी होती है जॉन की, क्योंकि जॉन ही असल में नंबर 4 था। अब जॉन का प्रोटेक्टर उसे लेकर इस जगह को छोड़कर कहीं और जाने की तैयारी करने लगता है, क्योंकि मोगाडोरियंस को उनकी लोकेशन के बारे में पता चल चुका था, तो इसीलिए वो प्रोटेक्टर जॉन के सारे सबूत मिटा देता है। तो इसीलिए वो वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन जॉन ऐसा करना नहीं चाहता था क्योंकि ऐसा फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा था जब वो किसी जगह को छोड़कर जा रहे थे। अक्सर ऐसा होता रहता है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं और जब जॉन अभी वो शहर में एडजस्ट होता ही है तो उसे फिर से शहर बदलना पड़ जाता है। अब बार बार शहर चेंज करने की वजह से जॉन काफी तंग आ चुका था। इसके बाद वो एक न्यू सिटी में पहुँच जाते हैं जहाँ पर जॉन को नई आइडेंटिटी नई पहचान मिलती है ताकि उसे कोई पहचान न सके। और यहीं पर हम एक लिजर्ड को भी देखते हैं जो कि हर टाइम जॉन पर नजर रखे हुए थी। इसके बाद वो लिजर्ड एक डॉग में कन्वर्ट होकर जॉन के घर पहुंच जाती है। यहाँ पर वो डॉग हर चीज को बड़ी गौर से देख रहा था। इसके बाद हमें जॉन का पुराना घर दिखाया जाता है जहाँ पर नंबर 6 एलियन आती है और वो जॉन के घर को आग लगा देती है। इसके बाद जॉन कॉलेज जाता है ताकि वो एक नॉर्मल लाइफ गुजार सके और किसी को उसके बारे में पता भी ना चल सके। और इसी कॉलेज में वो सैरा नाम की एक लड़की से मिलता है, लेकिन वहाँ पर एक काफी रूड लड़का था जो जॉन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और इसी वजह से उन दोनों के बीच कुछ
ग्रह सजाती है। दूसरी तरफ मोगा डोरियन जॉन के पुराने घर पर पहुंच गए थे, लेकिन जॉन उन्हें वहां पर नहीं मिलता। इसके बाद हमें जॉन दिखाया जाता है जिसकी पावर्स डेवलप्ड होकर काफी बढ़ चुकी थी, यानी उसकी पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। लेकिन जॉन का प्रोटेक्टर उसे रिलैक्स करता है जिसकी वजह से जॉन वापस से नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद जॉन अपनी फ्रेंड सैरा के घर डिनर पर जाता है जहाँ पर वो सैरा की फैमिली से मिलता है। अब क्योंकि जॉन की अपनी फैमिली तो थी नहीं, इसीलिए वो उनके बीच काफी अच्छा फील कर रहा था। मीनवाइल दूसरी तरफ उसका प्रोटेक्टर पूरी सिटी की डिटेल्स निकाल रहा था, जहाँ पर उसे एक साइंटिस्ट के बारे में पता चलता है जो कि असल में एक एलियन हंटर था, और उस एलियन हंटर के बेटे सैम की फ्रेंडशिप जॉन से हो गई थी। इसके बाद वो प्रोटेक्टर उनकी सारी डिटेल्स निकाल लेता है और उनको ढूंढते हुए वो एक फैक्ट्री में आ जाता है जहाँ पर उस प्रोटेक्टर को एक बेसमेंट भी मिली थी जहाँ पर उसे एलियंस के निशान मिलते हैं। तो वो सोचता है कि यहाँ पर एलियन नंबर 3 आया होगा, लेकिन तभी मोगा डोरियन ने उसे मार दिया। और इसी दौरान उस प्रोटेक्टर को वहाँ पर एक अजीब सा पत्थर भी मिलता है जिसके अंदर नीले रंग की कोई चीज लगी हुई थी। घर आकर वो प्रोटेक्टर इस पत्थर को चेक करता है जिससे उसे पता चलता है कि ये असल में एक खास किस्म का मैप है जो कि सारे प्लैनेट्स को एक तरह से जोड़ता है। दूसरी तरफ जॉन सैरा के साथ एक पार्क में आया होता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो रूड लड़का भी आ जाता है जो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर जॉन पर अटैक कर देता है। लेकिन इस बार जॉन भी चुप नहीं बैठता बल्कि वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उनका मुकाबला करता है, क्योंकि वो सैरा को मुसीबत में देखकर कंट्रोल से बाहर हो गया था। लेकिन अब उसकी पावर्स के बारे में उसके फ्रेंड यानी उस एलियन हंटर के बेटे को पता चल जाता है, यानी सैम को। इस बात की वजह से सैम को काफी गुस्सा आता है और वो जॉन को कहता है कि मेरे फादर ने अपनी सारी जिंदगी एलियंस को ढूंढने में ही लगा दी, जिसकी वजह से सारे लोग उन्हें पागल कहते थे, लेकिन वो अपनी जगह पर सही थी क्योंकि एलियंस तो सच में होते हैं। और देखो ना, तुमने आज ये बात साबित भी कर दी। लेकिन अब क्योंकि जॉन ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि किसी को उसके बारे में पता चल जाए, तो इसीलिए वो सैम को उसके बारे में किसी को भी बताने से मना करता है, क्योंकि अगर उसने किसी को बता दिया तो अर्थ पर मौजूद सारे एलियंस खतरे में पड़ जाएंगे। तो इसीलिए सैम उसे कहता है कि ओके ऑलराइट, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि आफ्टर ऑल हो तो मेरे फ्रेंड है ना। लेकिन नेक्स्ट डे जॉन के घर में एक पुलिस ऑफिसर आता है, क्योंकि वो जो रूड लड़का था वो इस पुलिस ऑफिसर का बेटा था जिसे कल रात जॉन ने काफी मारा था। अब यहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर जॉन को वार्निंग देता है कि मेरे बेटे से दूर रहो वरना अच्छा नहीं होगा। पुलिस ऑफिसर के जाने के बाद प्रोटेक्टर जॉन को काफी डांटता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, और वो प्रोटेक्टर फिर से सिटी को चेंज करने का सोचता है। अब यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जॉन की किसी ने उस टाइम की वीडियो वायरल कर दी थी जब वो स्विमिंग कर रहा था, यानी जब उसकी लेग पानी में जल रही थी, और ये वाली वीडियो सोशल मीडिया पर चल रही थी, जिसका मतलब साफ था कि अब मोगा डोरियन को उनके बारे में पता चल जाएगा, तो इसीलिए उन्हें वहाँ से जाना होगा। लेकिन जॉन तो सैरा को छोड़कर वहाँ से जाना नहीं चाहता था, तो इसीलिए वो डिसाइड कर लेता है कि अब से वो नहीं भागेगा। दूसरी तरफ हम नंबर 6 एलियन को देखते हैं जो उस टाइम जॉन की ही वो वायरल वीडियो देख रही थी, और इसकी वजह से उसे जॉन की लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। इसके बाद जॉन के पास एक कॉल आती है जिसमें उसे पता चलता है कि उसके प्रोटेक्टर को एलियन ने पकड़ लिया है। तब इसके फौरन बाद जॉन अपने फ्रेंड सैम के साथ उस लोकेशन पर पहुंच जाता है, लेकिन अंदर जाने से पहले वो अपने एक्सरे की मदद से अंदर का सारा नक्शा देख लेता है, और इसके बाद ही वो दोनों इन्हें जॉन और सैम अंदर जाते हैं, और वहाँ पर जॉन को उसका प्रोटेक्टर मिल भी जाता है। और जब ये लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो वहाँ पर मोगा डोरियन आ जाते हैं, आते ही वो इन पर अटैक कर देते हैं। अब यहाँ पर जॉन का प्रोटेक्टर उसे बचाने के लिए हर तरह से कोशिश करता है, और इसमें वो कामयाब भी हो जाता है, लेकिन इस वजह से वो खुद मारा जाता है। लेकिन मरने से पहले उसका प्रोटेक्टर जॉन को वही पत्थर देता है, यानी वो मैप वाला पत्थर। वो कहता है ये सारी दुनिया का मैप है और चाबी है दुनिया की, अब तुम्हारा काम ये है कि तुम सभी को इकट्ठा करो और सारे मोगा डोरियंस को मार डालो। जाते जाते सैम जॉन को बताता है कि इस पत्थर का आधा टुकड़ा मेरे पास है। इसके बाद वो दोनों सैम के घर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी पूरे शहर की पुलिस जॉन को ढूंढ रही होती है क्योंकि उस पुलिस ऑफिसर ने जॉन पर तरह तरह के इल्जाम लगा रखे थे। साथ साथ वो पुलिस ऑफिसर सैरा को भी जॉन से दूर रहने के लिए कहता है। वो सैरा को बताता है क्योंकि जॉन एक खतरनाक क्रिमिनल है, जिसकी वजह से अब सैरा को भी जॉन पर शक होने लगता है। फिर सैरा जॉन के पास चली जाती है और ये दोनों छत पर होते हैं, लेकिन इससे पहले कि जॉन सैरा को कुछ बता पाता वहाँ पर पुलिस आ जाती है, और तब जल्दी जल्दी वहाँ से भागने की वजह से सैरा वहाँ से गिर जाती है। लेकिन जॉन अपनी एलियन पावर्स की मदद से सैरा को बचा लेता है, जिसके फौरन बाद जॉन और सैरा वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन पुलिस ने सारे रास्ते ब्लॉक किए हुए थे। और यहाँ पर भी जॉन पुलिस से बचने के लिए अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है। इसके बाद वो सैरा को लेकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर का बेटा यानी वो रोड लड़का उन दोनों को भागते हुए देख लेता है, इसीलिए वो अपने फादर के साथ मिलकर जॉन और सैरा को ढूंढने
लगता है। लेकिन तभी उन लोगों के रास्ते में मोगाडोरियंस आ जाते हैं जो उस पुलिस ऑफिसर को तो फौरन ही मार देते हैं और पुलिस ऑफिसर के बेटे यानी उस रूड लड़के को अपने साथ ले जाते हैं ताकि इसका पीछा करते करते जॉन भी यहाँ पर आ जाए। उधर जॉन और सैरा बचते बचते अपने स्कूल पहुँच जाते हैं लेकिन मोगाडोरियंस भी अब वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो स्कूल को चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन इस बारे में सैम जॉन को पहले ही इन्फॉर्म कर देता है तो इसीलिए स्कूल में जॉन अब मोगाडोरियंस का वेट करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और हम वहाँ पर नंबर 6 एलियन को देखते हैं और ये भी जॉन के ही प्लेनेट की थी यानी वो जॉन के साथ ही थी और इस नंबर 6 एलियन की पावर्स बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो चुकी थी और इसी वजह से वो मोगाडोरियन को टक्कर देती है और यहाँ पर वो जॉन की जान भी बचा लेती है क्योंकि जॉन की पावर्स अभी इतनी ज्यादा डेवलप नहीं हुई थी। लेकिन जब मोगाडोरियन हारने लगते हैं तो वो एक खतरनाक एलियन को रिलीज करते हैं और इस एलियन का टारगेट कोई और नहीं बल्कि जॉन ही था और जॉन को खतरे में देखकर उसका डॉग भी एक खतरनाक क्रिएचर में बदल जाता है क्योंकि ये डॉग भी असल में जॉन की प्रोटेक्शन के लिए ही था और वो खतरनाक एलियन और वो क्रिएचर एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। वो खतरनाक एलियन जॉन को मारने के लिए उसका पीछा करता है। अब यहाँ पर जॉन अलग अलग ट्रिक्स को यूज करके उस एलियन को मारने की कोशिश करता है लेकिन वो क्रिएचर नहीं मरता और तभी वहाँ पर जॉन का डॉग भी आ जाता है क्योंकि अब वो भी तो एक क्रिएचर ही था तो इसीलिए अब वो मोगाडोरियन की एलियन के साथ लड़ता है। लेकिन अब नंबर 6 एलियन पर मोगाडोरियंस भारी पड़ने लगते हैं जिसकी वजह से अब वो कमजोर होने लगती है। लेकिन अब जॉन की पावर्स काफी हद तक डेवलप्ड हो गई थी तो इसीलिए वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए नंबर 6 को हील करता है और अब उन दोनों यानी जॉन और नंबर 6 और मोगाडोरियन के बीच फाइट होती है जिस फाइट में कभी तो ये दोनों भारी पड़ रहे थे और कभी मोगाडोरियंस। लेकिन तभी मोगाडोरियन एक और क्रिएचर को रिलीज कर देते हैं लेकिन अब क्योंकि जॉन की पावर्स फुली डेवलप्ड हो चुकी थी तो इसीलिए अब वो इस क्रिएचर से नहीं डरता तो इसीलिए ये दोनों मिलकर उस क्रिएचर को मार डालते हैं। लेकिन इस वजह से वो खुद भी काफी कमजोर हो गए थे और तब मोगाडोरियन जॉन का गला पकड़ लेता है। लेकिन यहाँ पर जॉन अपनी पावर से उस मोगाडोरियन की पावर्स को और ज्यादा बढ़ा देता है जिसकी वजह से अब उस मोगाडोरियन की पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वो ऑलमोस्ट फटने वाला होता है। लेकिन अगर जॉन उसके साथ रहा तो वो भी ब्लास्ट हो जाएगा तो इसीलिए नंबर 6 एलियन आकर जॉन को बचा लेती है। तो इस तरह से वो दोनों मोगाडोरियन को मार डालते हैं। मोगाडोरियन के एक्सप्लोड होने की वजह से वहाँ पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है लेकिन ये दोनों किसी तरह उसमें भी बच जाते हैं। इसके बाद जॉन और नंबर 6 एलियन उन दो पत्थरों को आपस में जोड़ते हैं और ऐसा करते ही वो पत्थर अपने आप से ही राख बन जाता है। इट्स मीन उस पत्थर में जो कुछ भी था अब वो इन दोनों के पास आ चुका था। इसके बाद जॉन सैरा को गुड बाय कहता है क्योंकि उस मैप की मदद से उसने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाना था ताकि वो मेगाडोरियंस को जड़ से ही खत्म कर सके जिससे पूरे यूनिवर्स में अमन सुकून हो जाएगा। लेकिन जाते जाते जॉन सैरा को कहता है कि मैं वापस जरूर आऊंगा। इसके बाद जॉन नंबर 6 प्लेनेट और सैम वहां से चले जाते हैं और तभी वहां पर वो रूड लड़का भी आ चुका था जो कि जॉन को उसका एक बॉक्स लुटाने आया था क्योंकि जॉन का ये बॉक्स उसने चुरा लिया था। साथ साथ उसे यहां पर अपनी गलती का एहसास भी होता है तो इसीलिए वो जॉन से माफी मांगता है और इसी के साथ इस मूवी का द एंड भी हो जाता है।